बिहार में काफी दिनों से जो खबरें आ रही थीं, आज वो सही साबित हुई हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने आज 11 बजे इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद वे तुरंत बाद वे राज्यपाल से मिले हैं। उसके बाद 128 विधायकों का जो समर्थन पत्र उन्होंने दिया, 4 बजे के आसपास उनकी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो 2-4 दिनों से जो खबरें आ रही थी बिहार की राजनीति को लेकर, वो ये सही साबित हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ? वो इंडिया गठबंधन जो 2.5 महीने 3 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव के लेकर जो तैयारी चल रही थी पिछले साल भर से, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वे नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाया और इसके बाद वे उससे अलग हो गए, इन्हीं सब सवालों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में दिवाकर सिंह जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश जेडीयू यूनिट के जो स्पोक्स पर्सन हैं। सर, ये सब अचानक निर्णय ऐसा उन्होंने क्यों लिया? बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन से वो अलग हो गए? देखिए, अचानक निर्णय नहीं हुआ है। जिस तरह से हमारे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बात कही थी कि कांग्रेस ने अपनी जो भूमिका अदा करनी थी इंडिया गठबंधन बनने के बाद में, उन्होंने किया नहीं। जिस तरीके से उन्होंने इग्नोरेंस कंटिन्यू रखा सीट शेयरिंग का लेकर के फार्मूला, हमारे नेता सर्वमान्य नेता नीतीश जी ने बार बार हर मौके पर कहा है, तीनों मीटिंगों में बार बार कहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण तमाम बातें आई, जैसे संयोजक के लिए, चेयरमैन के लिए, तमाम चीजों को लेकर के। पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला क्लियर करना था और उस पे कांग्रेस कभी सीरियस रही ही नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक। तो इसमें तमाम कयासबाजी चल रही थी अंदर खाने में, और राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य ये होता है न्याय के साथ विकास करना, सामाजिक न्याय, खेती किसानी, रोजी रोजगार का, उसमें नीतीश जी ने 18 वर्षों पे बहुत अच्छी तरह से साबित किया है। और भारतीय राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया है। उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस को ये बातें रखनी चाहिए, वो कांग्रेस रखनी नहीं चाह रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में तब इंडिया गठबंधन के दो घटक दलों ने कांग्रेस के नेता का नाम आगे किया, उससे ये बातें साफ होने लगी, कांग्रेस जेडीयू के साथ में कुछ गलत नीतियां अपना रही है और इंडिया गठबंधन के खिलाफ में कांग्रेस ही काम कर रही है, इसलिए ये बातें उठी है। और अंदर में तमाम राजनीतिक दलों में, जैसे 24 जनवरी को माननीय नीतीश जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शती समारोह में जब वो बोल रहे थे परिवारवाद पे, तो जिस तरह से रिएक्शन आया, उस तरीके से ये साफ बातें हो गई कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये अचानक जो इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी, उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही और दलों ने भी वो भूमिका अपनी अदा की। आपको लगता है कि इसमें राजद की क्या भूमिका है? बहुत सारे लोग कह रहे थे ये जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, उनको उनको भले ही वो अभी बोल रहे हों कि कांग्रेस के है, कांग्रेस की गलती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि इसमें राजद ने बड़ी भूमिका निभाई है, इस पूरी गलतफहमी को कांग्रेस और जेडीयू के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए? अभी जो भूमिका रही है, जैसे 3 दिन से कयासबाजी चल रही थी मीडिया में, अगर कोई गंभीर प्रयास होते तो राजद की तरफ से होते, जेडीयू ने प्रयास किया, लेकिन राजद की तरफ से भी कोई प्रयास नहीं हुआ। उसमें वामपंथी दलों के नेताओं के नाम आए, कांग्रेस के नेताओं के नाम आए, लेकिन किसी प्रकार से राजद ने कोई भूमिका अदा नहीं की। इसलिए हम जनता दल यूनाइटेड को ये बात होना पड़ा कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा, और जिस प्रकार से बिहार में विकास के कार्यों का क्रेडिट लिया जा रहा था, बार बार यही कहा जा रहा था कि हमने किया, हमारी वजह से हुआ, इन सारी बातों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, और भी छोटी मोटी चीजें थी उसको लेकर के ये बातें बिगड़नी शुरू हुई। और इसके दायित्व कांग्रेस और राजद दोनों का रहा है।
हम देख रहे थे कि साल 2000 जो 20 का जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, उसमें उस वक्त में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जो छात्र थे लगातार वो सड़क पर उतरे थे, संघर्ष कर रहे थे, और इसके बावजूद मतलब केंद्र में इनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री खुद बिहार जाते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार थी, 20 सीटें उतनी आई थी। फिर इसके बाद वे अलग हुए, राजद के साथ आए, तब उन्होंने बहुत सारी नौकरियां निकाली और दी भी, बहुत सारे चीजें ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए। तो ये तो सही है ना कि इतने सालों से वो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी 2014 से केंद्र में सत्ता में थी, उस वक्त वो नौकरी नहीं दे पा रहे थे, राजद की जब साथ आए हैं तभी तो उन्होंने ये सब किया है, साथ में मिलकर किया है। हो सकता है कि उनका कुछ और भी मकसद रहे हों, साधे साथ में चुनाव के, इंडिया गठबंधन, या और भी कुछ महत्वाकांक्षाएं रही हों दिल्ली आने की। लेकिन ये तो सवाल वही है ना कि लोग तभी तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ जब थे तब तो छात्र संघर्ष कर रहे थे, इसके बाद उनको नौकरियां मिली हैं, तो अचानक कहाँ से चीजें बदली हैं ये सब। देखिए, नौकरियों के मामले में बिहार सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 वर्षों से बहुत बेहतर रहा है अन्य राज्यों की तुलना में। हाँ, ये बात सत्य है कि जब गठबंधन की सरकार राजद के कांग्रेस के साथ बनी बिहार में, तो इसमें थोड़ी तेजी देखने को आई, संख्या बल ज्यादा है। ये प्रपोजल एक दो दिन में नहीं होता है, इसके लिए सालों साल की कवायद होती है, योजना बनती है कि शिक्षा विभाग में कितने आमूलचूल परिवर्तन करना है, रेवेन्यू विभाग में क्या करना है, पुलिस विभाग में क्या करना है। और आदरणीय नीतीश जी का राजनीति का हिसाब किताब भी ऐसा है कि वो हमेशा नागरिकों के न्याय के साथ विकास के लिए फोकस रहते हैं, तो उसमें चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेवेन्यू का मैटर हो, लैंड ऑर्डर हो, सब पे वो फोकस रहे हैं। रह गए कि नौकरियों की, जो 2 लाख नौकरियां निकाली गई 3 लाख शिक्षकों की, ये जरूर है कि इस रिजीम में हुआ, तो उसकी क्रेडिट वो सरकार की है, न कि किसी और घटक दल की है। नहीं तो दोनों लोगों ने मिलकर किया है, कोई एक को क्रेडिट मिल भी नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर राजद के साथ ना जाते या बीजेपी के साथ रहते तो इतनी नौकरियां जो मिल रही है, 1 लाख नौकरी भी 5 साल में नहीं दे पाती सरकार। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें बातें कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा परसेप्शन जो बना बना तेजस्वी यादव को लेकर या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, वो तेजस्वी यादव की तरफ पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पार्टी को कहीं खतरे वाली तो बात नहीं थी, क्योंकि जिस तरह वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जब अपना इस्तीफा सौंपा इसके बाद वो बाहर निकले हैं मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि जेडीयू को तोड़ने का कुछ ऐसा प्लान था, उन्होंने जो बोला पार्टी को ऐसा तोड़ना चाह रहे थे। शैलेंद्र जी, इसमें बात यह है कि जब 9 अगस्त 2022 को माननीय नीतीश जी एनडीए गठबंधन से निकल करके राजद और कांग्रेस गठबंधन में बिहार सरकार बनाई, तभी उनको खतरा नहीं था जेडीयू की सरकार को। लेकिन रह गई बात कि वो कुछ वसूलों को लेकर के आए, कि कुछ मुद्दों को लेकर के आए थे, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने, हर हर राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बड़े नेताओं से उन्होंने इंडिविजुअली मुलाकात की, बात मुहिम चलाई। लेकिन जिस प्रकार से बेंगलोर में कांग्रेस के शासित राज्य में जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के नेता के खिलाफ में पोस्टरबाजी शुरू हुई, ये तमाम चीजें ये इंडिकेट करती है कि तमाम लोग अब विरोध में कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के मामले में 35% पर महिलाओं के लिए आरक्षण, कर्पूरी मॉडल को जमीन पर लागू करने के का जो मॉडल है वो तो एनडीए सरकार में नीतीश जी ने किया था। और रही राजद के गठबंधन की सरकार में सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाते हुए जिस प्रकार से जातिवार जनगणना की, जिस प्रकार से 65% आरक्षण किया ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के लिए, ये सारी चीजें नीतीश जी के फार्मूले को सब लोग जानते हैं, बिहार के नागरिक जानते हैं, बिहार के हर एक जाति धर्म के लोग उनके साथ में हैं। मेरा आखिरी सवाल यह है कि क्या ये जो नौकरियों वाला जो मसला है या जो भी नौकरियां भी निकली हुई हैं, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे तो वो दे पाएंगे नौकरियां जो उन्होंने शुरू किया था राजद के साथ मिलकर? ऐसा है कि नीतीश जी ने बराबर नागरिकों को, नागरिकों के न्याय के साथ, राज्य के नागरिकों के न्याय के साथ विकास में, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे शिक्षित बेरोजगारों का हो, सबके लिए काम किया है। और आगे चल करके ये संविधानवाद के तरीके पे, संविधान के रास्ते पे, जैसे भाजपा के साथ में रहे, संप्रदायवाद की कोई ऐसी बात नहीं उठी, जब राजद के साथ रहे तो जातिवाद परिवारवाद की कोई बात नहीं उठी, तो नीतीश जी के पास वो क्षमता है, वो संविधानवाद के रास्ते पे बिहार को तरक्की पे ले जाएंगे।